चरणे जामुदीपे भारत खंडे भारत वर्षे आर्यवर्तांतर हेमोदेश केदार खंडांतरद्रिकाशे लग्नंदा मंदाकृण्वे षष्ठी संभत्सरा मध्य विरोधीना संभत्सरे रवोर्षुर दक्षिणा श्रद्धा कार्तिक मासे स्वे कृष्णी पक्षे कृष्णी अमावस्या सुपर्णस्थितो लक्ष्मी पूजन सुपर्णस्थितो एवर समय श्री मान अपना नाम श्री नरेंद्र दामोदर दासी मोदी माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार से श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उत्तरा मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन से एवर समय करिष्यमाण भारत वर्षोन्नति हेतव सर्वेषा मनोकामना परिपूर्ण हेतव सर्वत्र यसा विजय लाभाद्य प्राप्त हेतव एवं समय करिष्यमाण भुवैकुंठ हिमालय यात्रा करिष्यमाण महामृत्युंजय केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग सन्निधौ अमृतकाल वेलायां पूजनम दर्शनम अर्चनम रुद्राभिषेक पूजनम च वयं करिष्यामहे अखंड ज्योति शर्वरुद्र पशुपति। इस समय प्रधानमंत्री केदारनाथ मंदिर के अंदर पूजा करते हुए रुद्राभिषेक की पूजा है और आज के दिन उसका काफी महत्व है। कौन कौन से लाभ रुद्राभिषेक की पूजा से होते हैं? प्रति भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग में अभिषेक करते हैं, उन जीवों को सद्बुद्धि सद्विचार सद्धर्म और सत्कर्म की ओर प्रवृत्ति होती है। रुद्राभिषेक से मानव की आत्मशक्ति ज्ञान शक्ति और मंत्र शक्ति जागृत होती है। रुद्राभिषेक से मानव का जीवन मंगलमय बन जाता है। रुद्राभिषेक से मानव में दैवीय शक्ति अथवा दैवीय गुणों का प्रादुर्भाव होता है। रुद्राभिषेक से अंतःकरण की पवित्रता मल विक्षेप और कुसंस्कारों का निवारण होता है। रुद्राभिषेक में वैदिक मंत्रों के श्रवण करने से मानव देवता बनकर जगत के कल्याण करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। रुद्राभिषेक से धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चतुष्टय पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। रुद्राभिषेक से आदिदेवी
आधि भौतिक और आध्यात्मिक इन तापत्रय की निवृत्ति होती है। रुद्राभिषेक से रुद्राभिषेक से संक्रामक रोगों का नाश, शारीरिक समस्त दोषों का नाश, सर्वविध अमंगलों का नाश, पैशाचिक कष्टों से निवृत्ति और सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। रुद्राभिषेक से शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, असाध्य कार्य भी साध्य हो जाते हैं और सर्वदा सर्वत्र विजय होती है। रुद्राभिषेक से मानव आरोग्य, विद्या, कीर्ति, पराक्रम, धन धान्य, पुत्र पौत्र आदि और अनेक प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है। रुद्राभिषेक करने मात्र से जीवों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, संसार का कल्याण होता है और अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, अकाल मृत्यु, महामारी, प्रभृति रोग, शोकादि का शमन हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान केदारेश्वर के ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन करने मात्र से जीव परम धाम को प्राप्त होता है, क्योंकि कहते हैं कि जीवन मुक्तो भवेशोपि जोगतु बद्री बने। जो जीव जीवन में एक भी बार इस बद्रिकाश्रम में आकर भगवान केदारेश्वर महादेव के दर्शन पूजन कर लेता है, वो जीव जन्म और मृत्यु के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का यह श्लोक कहते हैं कि पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जो जीव का 84 लाख योनियों का जो फेरा है, वो 84 लाख योनियों का फेरा केदारेश्वर महादेव के दर्शन पूजन करने मात्र से नष्ट हो जाता है और जीव अंत समय में परमधाम को प्राप्त होता है। भगवान शंकर के समान उसकी गति होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान केदारनाथ के दरबार में पूजा अर्चना करते हुए और अगाध श्रद्धा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ मंदिर के अंदर जो पूजा है वो संपन्न की है। भगवान केदारनाथ से आशीर्वाद लिया है कि देश की समृद्धि लगातार बनी रहे। पिछली बार भी आए थे तो इसी कामना के साथ उन्होंने यहाँ पर पूजा की थी कि देश का कल्याण हो, विश्व में शांति बनी रहे और केदारनाथ की जो भव्यता है, केदारनाथ की जो मान्यता है वो लगातार आगे बढ़ती रहे। और इस बार 2013 में जब प्राकृतिक आपदा आई थी उसके बाद श्रद्धालुओं को बड़ा एक मंदिर के प्रति जो श्रद्धा है वो तो कम नहीं हुई, लेकिन जिस तरह की प्राकृतिक आपदा आई थी उससे समस्त जो देश के श्रद्धालु थे वो हिल गए थे कि इतना भीषण आपदा की चपेट में
केदारनाथ धाम आ गया था और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम में अपनी पूजा संपन्न करने के बाद अब जो यहाँ पर विकास के काम हुए हैं, जिस तरह की शुरुआत विकास के कामों की उन्होंने यहाँ पर की थी, उनकी समीक्षा भी प्रधानमंत्री करेंगे। और इस समय आपको जो मंदिर का प्रांगण आपको ये दिखाई दे रहा है, ये बहुत छोटा सा था। 2013 की जो आपदा आई थी उस समय ये छोटा सा प्रांगण था, लेकिन आज ये पूरा का पूरा जो मंदिर का प्रांगण है, विशाल प्रांगण बनाया गया है। 4,340 वर्ग मीटर का ये पूरा का पूरा मंदिर का प्रांगण है, जिसमें हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं, जो तीर्थयात्री हैं, वो यहाँ आ सकते हैं। और इस समय मंदिर से बाहर निकलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, काफ़ी लंबे समय से लगातार इस मंदिर की भव्यता को लेकर, इस मंदिर के गौरव को लेकर प्रधानमंत्री चिंतित रहे हैं, दिशा निर्देश देते रहे हैं लोगों को, यहाँ की सरकार को, यहाँ के प्रशासन को, कि किस तरह के कार्य उनको करने हैं कि परंपराओं के साथ श्रद्धालुओं की जो सुविधा है, तीर्थयात्रियों की जो सुविधा है, उसको भी ध्यान रखा जाए। और ये मंदिर का विशाल प्रांगण, जिसमें 15,200 स्थानीय पत्थरों को तराश कर इस विशाल प्रांगण में लगाया गया है, और इस समय ये जो मंदिर का दूसरा भाग है, जिसका हमने जिक्र किया था, सभा मंडप जहाँ पर तमाम देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, वहाँ पर प्रधानमंत्री पूजा करते हुए, और ये मंदिर का मुख्य द्वार भगवान नंदी सामने है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा करने के बाद मंदिर परिसर से बाहर आते हुए, और ये विशाल प्रांगण एक तरह से देन है उन्हीं के संकल्प की, कि जिस तरीके से उन्होंने दृढ़ता के साथ यहाँ काम करवाए, विषम परिस्थितियों में भी यहाँ की सरकार ने, प्रशासन ने लगातार काम किया, दिन रात काम किया, माइनस टेम्परेचर के बीच में भी। और ये विशाल नंदी की प्रतिमा, जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि सैकड़ों हजारों साल पहले कैसे संभव था कि इतने विशाल पत्थरों को यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर पहुँचाया गया और इस मंदिर का भव्य निर्माण किया गया। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ मंदिर की परिक्रमा करते हुए, ये मंदिर का पिछला हिस्सा है जहाँ पर जो भीम शिला आकर रुक गई थी और इस पूरे मंदिर को सुरक्षित कर लिया था इस शिला ने, जो 2013 में सैलाब आया था, जिसने सब कुछ बहा कर रख दिया था, पूरे केदारनाथ धाम के भूगोल और इतिहास को उस सैलाब ने बदल दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस मंदिर के साथ साथ इस मंदिर से करीब 400 मीटर की ऊंचाई पर एक मेडिटेशन गुफा का निर्माण किया गया है, और ये प्रधानमंत्री की एक इच्छा थी कि यहाँ पर एक मेडिटेशन गुफा हो, ताकि जो श्रद्धालु या जो योग के प्रेमी हैं वो